हे दोस्तों, वेलकम टू 10 आवर्स फॉर एग्जाम। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले टाइप्स ऑफ बिग डेटा के बारे में। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिग डेटा की। सो बिग डेटा के बेसिकली तीन मेन टाइप्स होते हैं। अगर से मैं आपसे बात करूं पहले टाइप की, तो वो क्या है? स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली क्या होता है, आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा इज नथिंग बट दी ऑर्गेनाइज्ड डेटा। सो ऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या होता है, ये सवाल बनता है। अब आप बोलेंगे भाई ऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या होता है। सो देखो, ऑर्गेनाइज्ड डेटा को एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में 15,000 एम्प्लॉई है या 10,000 एम्प्लॉई है। सो ये जो 10,000 एम्प्लॉई है, इनका डेटा मेंटेन करके रखना, ठीक है, इस डेटा को स्टोर करके रखना, इस डेटा को प्रोसेस करना और इस डेटा को एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब इससे कुछ मीनिंग निकालना, जिससे आप कुछ क्या कर पाओ, सीख पाओ, ठीक है, आपको कुछ बेनिफिट हो पाए, आप फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाओ इस डेटा की मदद से, इस डेटा से कुछ सीख पाओ, ठीक है। सो इस डेटा को आपको स्टोर करने में, मैनेज करने में, प्रोसेस करने में, एनालाइज करने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड डेटा है। सो देखो, स्ट्रक्चर्ड डेटा बेसिकली क्या है, आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। और ऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या है, जिस डेटा को आप इजीली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, उस डेटा को आप बोलेंगे कि भाई ये डेटा क्या है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, ठीक है। और इस डेटा को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ डेटा की, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जस्ट अपोजिट है स्ट्रक्चर्ड की। सो स्ट्रक्चर्ड में हम क्या बोल रहे थे कि ऑर्गेनाइज्ड डेटा होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड डेटा मतलब जिसको इजीली हम क्या कर पाए, प्रोसेस कर पाए, स्टोर कर पाए और एनालाइज कर पाए, मतलब उससे कुछ मीनिंग निकाल पाए, प्रोसेस करने के बाद कुछ सीख पाए। तो अनस्ट्रक्चर की डेफिनेशन जस्ट इसके अपोजिट होगी, मतलब ऐसा डेटा जो कि बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे है, जिसको ऑर्गेनाइज करना मतलब स्टोर करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना, उससे कुछ मीनिंग निकाल पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सो अगर से आप बोलेंगे कि स्ट्रक्चर डेटा क्या है, तो एक वर्ड में आप बोल सकते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है, अनऑर्गेनाइज डेटा होता है। देखो, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर से हम एग्जांपल ले सोशल मीडिया का, यूट्यूब का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, सो यहाँ पे डेली कितनी सारी फोटो अपलोड होती है, कितने सारे वीडियोस अपलोड होते हैं, कितने सारे पोस्ट अपलोड होते हैं, ठीक है, पोस्ट करते हैं लोग। सो ये सारा जो डेटा है, ये बेसिकली क्या है, अनसर्टेन डेटा है। ये क्या है, बेसिकली बहुत ही लार्ज स्केल पे डेटा है, अनलिमिटेड डेटा है, जिसको प्रोसेस करना, स्टोर करना, मैनेज करना इतना इजी टास्क नहीं है, बहुत ही अनसर्टेन डेटा है। इस डेटा को स्टोर कर पाना, इस डेटा को प्रोसेस कर पाना, इस डेटा को मैनेज कर पाना, इस डेटा से कुछ मीनिंग निकाल पाना, मतलब वर्ल्ड में डेली जो डेटा जनरेट हो रहा है सोशल मीडिया में, ठीक है, सर्च इंजिन्स में, इस डेटा को क्या कर पाना, प्रोसेस कर पाना, स्टोर कर पाना एक साथ, बहुत ही मुश्किल। तो ऐसे डेटा को हम बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या है। देखो, जो अगला टाइप है बिग डेटा का, वो क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। सो सेमी स्ट्रक्चर्ड बेसिकली क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड डेटा। सो हाइब्रिड डेटा बेसिकली क्या है, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड डेटा का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, आइए अब कुछ एग्जांपल्स की मदद से इन टाइप्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जांपल की। सो नंबर्स, डेट्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड नंबर्स, दैट इज नथिंग बट स्ट्रिंग्स। सो देखो, नंबर्स, डेट्स और जो स्ट्रिंग्स है, ये बहुत अच्छे एग्जांपल है ऑर्गेनाइज्ड डेटा के, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड डेटा बेसिकली क्या होता है, ऐसा डेटा जिसको स्टोर करना, प्रोसेस करना, एनालाइज करना बहुत ही क्या हो, इजी हो, ठीक है, पॉसिबल हो, ठीक है, ऐसे डेटा को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो नंबर्स को, डेट्स को, स्ट्रिंग्स को प्रोसेस करना, एनालाइज करना हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। अगर से आप बात करेंगे कैलेंडर्स की, ठीक है, तो इसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज कर सकते। अब बात करते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की, अनऑर्गेनाइज्ड डेटा की। सो अनस्ट्रक्चर्ड के एग्जांपल्स की अगर से हम बात करें, तो ईमेल्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स, वेब पेजेस एंड सोशल मीडिया मैसेजेस। तो आप अगर से देखेंगे सोशल मीडिया के एग्जांपल ही अगर से आप लेंगे, तो कितने लार्ज स्केल पे लोग वीडियोस अपलोड करते हैं, फोटोज अपलोड करते हैं, ठीक है, पोस्ट अपलोड करते हैं, जिनका यानी रिकॉर्ड बना के रखना, मेंटेन करना कि कौन सा वीडियो किस कॉन्टेक्स्ट में किस इंसान ने अपलोड किया है, ठीक है, कौन सी फोटो किसने अपलोड किया है, क्यों अपलोड किया है। तो ये सारी डेटा को ऑर्गेनाइज करना, मेंटेन करना, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज स्केल पे है और ये डेटा अनसर्टेन है, मतलब कभी भी कोई भी कैसे भी अपलोड कर रहा है, ठीक है। सो ऐसे डेटा को ऑर्गेनाइज करना, प्रोसेस करना और इसको एनालाइज करना, मतलब इससे कुछ मीनिंग निकाल पाना, पूरी दुनिया में जितनी भी सोशल मीडिया साइट
साइट्स है वहाँ पे कितना डेटा डेली जनरेट हो रहा है, जो वेब पेजेस हैं ठीक है वहाँ पे कितना डेटा जनरेट हो रहा है, ईमेल्स पे कितना डेटा जनरेट हो रहा है। सो इस डेटा को प्रोसेस कर पाना और इस डेटा को एनालाइज कर पाना, मतलब इससे कुछ मीनिंग निकाल पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। सो ये अनसर्टेन डेटा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके अनऑर्गेनाइज डेटा का, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का। दोस्तों अगर से मैं बात करूँ सेमी स्ट्रक्चर्ड के एग्जाम्पल की, तो जो आपका नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है ये बहुत अच्छा एग्जांपल है अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा के कॉम्बिनेशन का, मतलब इनके हाइब्रिड का। सो आई होप दोस्तों अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ बिग डेटा को। दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, अगर से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल टू अप्रिशिएट माई वर्क, ताकि मैं इसी तरह मोटिवेटेड फील करते रहूं और आपके लिए इसी तरह यूजफुल ट्यूटोरियल्स बनाता रहूं। यू कैन डाउनलोड दिस पीपीटी एंड माई हैंड रिटन नोट for the complete subject unit wise, so link उसका मैंने description में दे दिया है। Thank you so much for watching this video. Now, finally, best of luck for your exams.